हेलो व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक। और आज मैं पहुँची हूँ एक ऐसी जगह पर जिसका बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो इस वक्त जो है मैं आपको बताती चलूँ, ये सारे सफ़ेद जानवर जो हैं वह एक साथ बंधे हुए हैं। ये है वुड ऑफिस 7 नंबर की तरफ इम्तियाज वाली गली के अंदर। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर भी जानवर आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये दिखाते चलूँ। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बोर्ड ऑफिस। यहाँ पर हर तरह का नायाब जानवर आता है। देख सकते हैं आप लोग, इन्हें एक जाल में बंद किया हुआ है। ये सारा सफ़ेद जानवर एक साथ बांधा हुआ है, जिसमें छोटी नस्ल की भी है और लंबे और बड़े जानवर भी। तो अब चलते हैं थोड़े आगे की तरफ। यहाँ पर जो है इसी के बराबर में इनका एक बहुत बड़ा गोडाउन है। उस गोडाउन में हर तरह का नायाब, बड़ा छोटा, अच्छा भारी भरकम जानवर देखने को मिलेगा आपको। न पा रहा है आने, देखो रेड कलर का तो बड़ा है। चलो 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 आराम से बाबा के साथ साथ। भैंस काफ़ी रश है यहाँ लोगों का। यहाँ पे हर नस्ल का, हर हाइट का ऊंट मौजूद है। डिफरेंट कलर्स भी हैं, वाइट भी है, ब्राउन भी है, रेडिश कलर भी है। ये इनके जिस्म पे सिंदरी मेहंदी वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पे इनके बराबर में है गाय। माशाल्लाह, इसको पकड़ो। माशाल्लाह से बहुत प्यारे और खूबसूरत, कलर भी बहुत प्यारा है। और एक से एक नया जानवर है। कुछ खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप, काफी लोगों का रश भी है यहाँ पे। ऊँट तो बहुत सारे हैं, एंड तक सारे ऊँट एक साथ मौजूद हैं। आगे चलते हैं। इसके साइज का अंदाजा लगा सकते होंगे आप। हाइट नॉर्मल ही है मेरे जितनी, बट साइज देख लें। बाबा के पास जाओ। कहाँ बाबा, कहाँ बकरे? माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और एक से एक रंग का सजा हुआ। ये देखें, ये जोड़ा है मेरे पास से, जोड़ी है ये। क्या करता है? बोर्ड ऑफिस के अंदर की साइड हम आए हुए हैं। यहाँ पर इकट्ठे एक गोदाम में ये जानवर होते हैं सारे एक साथ। अजान, करीब नहीं जाना बेटा, पता थोड़ी होता है। आज करीब नहीं जाना। और आगे भी हैं, आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि आगे जाने की थोड़ी जगह वहाँ पे तंग है। तो ऐसे ही दिखाती मतलब जितनी दूर तक देखा जाए वहाँ तक मौजूद है। एक को ट्राई करा जाए हाथ लगा कर। लगाने दे रही है आप? मैं वहाँ से तो मारी पर चले मुक्का लात ही दे वो पीछे से। बस पीछे हो, पीछे हो, घूम जाए वो पीछे हो। इतने करीब नहीं खड़े हो।
हमला तो आपने देख ही लिया इनका, मुझे लगा मासूम है, मगर यार ये है छोटी नस्ल है, मगर देखिए है कितनी खूबसूरत। अच्छा यहाँ कुछ बकरे भी मौजूद हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको आगे। इनको भी एक सेपरेट एरिया पर मुश्तमिल जो है वो बंद किया हुआ है। लोगों की रश की वजह से यहाँ बकरे आए जा रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पर कुछ चारा वगैरह भी लगाया हुआ है, तो खाने में भी मसरूफ है। हाथ लगा रही थी मैं, आनो आओ बकरे को हाथ लगाओ, बल्कि आप खा लो, छोड़ो हाथ नहीं लगाओ, जर्म्स लग जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना, रुक जाओ साथ ही जाना। माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे। चले अब बाहर की तरफ चलते हैं। जोड़ा है ये, तो हम निकलते हैं बाहर की तरफ। ये देखें लाल ऊंट, काफी बड़ी हाइट के हैं ये। काफी बड़ी हाइट पर मौजूद है ये ऊंट। गाय को हाथ लगा, मार दी ना, मार दिए ना। अच्छा आपने अपने ये सारे जानवर देख ही लिए हैं, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सराहने के लिए और अपना प्यार जाहिर करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई, तो आप प्लीज़ अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नायाब जानवर देखने को मिले, और ज़रूर जाएं जगह पर और अपनी आंखों से देखें कितने खूबसूरत और प्यारे जानवर यहाँ मौजूद हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर दोबारा कह रही हूँ मत भूलिएगा। खड़ी ना उधर लगा दिया, आखिरकार मैंने भी एक को हाथ लगा ही लिया। अच्छा यहाँ पे ये भैंसे हैं, ये भी जोड़ा ही है, ये भी काफ़ी बड़े साइज पर है, ये खड़ी भी आपको देख रहा होगा। बिगड़ी भी लग रही है, इतनी बड़ी भैंस पहली दफा देखी है मैंने। मैं इससे काफ़ी गरीब हूँ, उन्होंने अपनी टांग भी बाहर निकाल ली, मैं जा रही हूँ बेटा। चले अब चलते हैं दूसरी जानिब।